धार्मिक नगरी उत्तरकाशी में गंगा किनारे अवैध रूप से चल रहे अवैध मीट की दुकानों एवं शहर में घूम रहे आवारा पशुओं के संबंध में हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक एवं नगरपालिका के ईओ से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर नगरपालिका उनको लिखित रूप से अवगत कराती है तो पुलिस उनका साथ देगी। वहीं नगरपालिका के ईओ का कहना है कि सभी मीट व्यापारियों को नोटिस भेज दिए गए हैं और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। साथ ही आवारा घूम रहे पशुओं के लिए नई व्यवस्था की जाएगी और शहर में पानी और चारे के लिए टैंक बनाए जाएंगे। वो हमने अपने इंस्पेक्टर को भेजा कल, उन्होंने उनका लाइसेंस लाया, वो 2019 तक तो उनको जिला पंचायत ने लाइसेंस दिया। आज मैंने उनसे कह दिया कि भाई इनको ये बोलो कि लाइसेंस की कार्रवाई करें, नगर पालिका में आवेदन करें, क्योंकि जो नया क्षेत्र हमारा जुड़ा उस क्षेत्र में हम 10 साल तक तो भवन कर ले नहीं सकते, पर दुकानों पर उसका हमें देखना करें। मीट की दुकानों पे हमें अगर जो मतलब जैसे भी जीओ में होगा वो जिला पंचायत के अंडर में थी ना पहले, अब ये नगर पालिका 18 में आई तो 18 के बाद 19 तक तो उनका लाइसेंस उनका था जिला पंचायत का, तब तक तो करते करते अपना काम। अब हमारे वो संज्ञान में आया कि इनकी मीट की दुकानें अवैध चल रही हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे अगर वो लाइसेंस नहीं। कितने दिन में कार्रवाई होगी सर? बस अब कार्रवाई उन पे तत्काल हो जाएगी, अब ये दिन तो मैं निश्चित नहीं करूँगा पर तत्काल हो जाएगी कार्रवाई। ये जो मामला है, ये मामला जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये नगर पालिका या फिर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इस पे कार्रवाई की जा सकती है, और अगर इस पे कोई कार्रवाई की जाती है, अगर कि लाइसेंस है नहीं है या फिर लाइसेंस के शर्तों का पालन नहीं कराया जा रहा है, उसमें अगर पुलिस की सहायता मांगी जाती है अगर संबंधित विभाग के द्वारा, तो मैं पुलिस की सहायता हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इसमें हमारे यहाँ सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी हो रही है और उसमें सत्यापन करने के लिए जो हम जो डाटा तैयार करते हैं, प्रोफार्मा करते हैं, उसको जिस जनपद का व्यक्ति मूल निवासी होता है उसको वहाँ भेजते हैं, तो वहाँ से कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ रिपोर्टें नहीं आ रही हैं। जो रिपोर्टें नहीं आ रही हैं वहाँ पर हम लोग फिर से भी रिमाइंडर दे रहे हैं ताकि जो है वो जो संबंधित जनपद है उनको रिपोर्ट दे सकें, क्योंकि अधिकतर इसमें जो रिपोर्टें जो हमारे जो उत्तराखंड स्टेट की वहाँ की रिपोर्टें जल्दी आ जाती हैं, जो अन्य जनपद हैं, जो अन्य प्रदेश हैं, वहाँ से रिपोर्ट आने में थोड़ी बड़ी देरी होती है, लेकिन हम रिमाइंडर दे करके उनको रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। पहले तो काशी नगरी में ये मीट की दुकानें नहीं होनी चाहिए, अगर होगी भी तो जिसका रजिस्ट्रेशन है वही दुकान रखें और प्रशासन इसमें कार्रवाई करें कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो जो है उनकी दुकानें बंद करें, जल्द से जल्द बंद करें जी। और जो ये आवारा गायें घूम रही, इस बारे में जो आवारा गायें घूम रही इनके लिए नगर पालिका काफ़ी बजट जो है खर्च कर रही है, अगर इसमें आवारा गायें अगर ये ढंग से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो प्रशासन इसमें देखें कि मतलब ये बजट कहाँ जा रहा है नगर पालिका। मेरा इस पे ये कहना है कि जो ये अवैध रूप से बिना उसके वो चल रही है हमारे उसमें, ये तो बंद होनी चाहिए। और सबसे पहले बात यह है कि ये तो खासकर हमारे जो विश्वनाथ की नगरी है जो हमारी, इसके आसपास तो होनी नहीं चाहिए, इससे थोड़ा दूर में ही होना चाहिए और ये सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस पे कि ये बंद होने चाहिए और ख़ासकर मंगलवार के दिन ये नहीं कटनी चाहिए। और रही जो बात हमारे जो उस पे हमारी जो ये नगर पालिका की गायें छोड़ रखी है, इन्होंने सड़क पे छोड़ रखी है गायें, आप ये जो हमारे जो हिंदू वाहिनी की जो वो है वो नगर पालिका के पास जाए और उनसे ही वो करे, इसके बारे में उनसे बात करे कि आपने इनको क्यों छोड़ा, कि ये उन्हीं की हो रहेगी। उत्तरकाशी से समय साक्ष संवाददाता की रिपोर्ट।